Hello viewers, we have Mr. Dharmesh Shah from ICICI Securities and welcome to Dharmesh sir. Dharmesh sir, आपका view sir for the week will is something what people are looking forward to. तो क्या लग रहा है sir market in times to come? Yeah, good morning Jignesh. Yeah, definitely जैसे कि बाजार में हमने देखा कि जैसे हम last week में भी बात कर रहे थे कि 9000 का एक strong support है, 9000 से 8800 के बीच में जो hold करना चाहिए और वैसे भी हुआ कि market में 8800 का support hold करके which was 61% retracement of this entire rally from 8000 to 9900. वहाँ पे सपोर्ट लेके हमने एक अच्छा पुल बैक देखा करंट वीक में जहाँ पे निफ्टी 9500 जो मेजर रेजिस्टेंस था मार्केट का उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है. हमें लग रहा है आने वाले दिनों में जैसे कि हमें मार्केट पॉजिटिव बायस के साथ ही लग रहा है और टारगेट यहाँ से हमें देख रहा है वो अप्रैल हाई जो था 9980 का 10000 राउंड फिगर बीन साइकोलॉजिकल लेवल ये हमारा टारगेट है विच इज 50% रिट्रेसमेंट of this entire fall from 12,000 to 7,500. So overall outlook remains to be positive. Any dip towards 9,200 should be looked as a buying opportunity or target of 10,000. Sir, as you had predicted rightly, आपके जो last podcast में आपने एकदम सही कहा था कि you know market is forming a base and you know this can be a good opportunity for buying long term stocks. Hmm. So you know your strategy was very right. Sir, any new stock that you think is in your radar, sir? जैसे कि हमने last time बात की थी कि बाजार एक अच्छा base formation है और एक portfolio बनाने के अच्छा time था और वहाँ पे ही हमने recommend किया था Dr. Reddy, Hero Honda जैसे stocks, Tube Investment, RT Drugs. Recently we feel I think so sectors अगर मेरे को देखना है तो software IT remains to be the positive where we will remain to be positive for TCS. Especially हमको यहाँ से TCS अच्छा लग रहा है IT में. Apart from TCS, we definitely remains to be positive for auto sectors like Escorts, Hero Honda, TVS Motors, two-wheeler especially अच्छे लग रहे और rural side में हमें Escort अच्छा लग रहा है. Apart from all this, cement continue to look good overall and the sectors which news are coming eyes. We recently came out with a report on chemical industries where we came out with top five buys on chemical stocks where our target is around 20%. For which you need to go to visit to our ICICI Direct website, ICICIdirect.com की website पे आप जाओगे तो वहाँ पे research के special report में आपको हमारा chemical thematic मिलेगा report technically जहाँ पे हमारी top picks जो chemicals में है वो है RT Industries, Aztec Life Science, Atul Limited भी एक अच्छा लग रहा है यहाँ से जो हमें लग रहा है कि अच्छा बिजनेस फॉर्मेशन के साथ चल रहा है तो Atul भी एक अच्छा लग रहा है. Vinati Organics is one which is meant to be the positive and Aztec Life Science. So ये है मतलब stocks जो हमें लग रहे हैं कि आगे जाके एक अच्छे जैसे हमने हमारे रिपोर्ट में बीच में भी निकाला था कि next leadership कहाँ से आएगी तो हमें लग रहा है कि next leadership जो जब भी बाजार में तेजी आएगी 3 से 6 महीना हो सकता है एक bottoming formation होता है बट इस bottoming formation में generally एक leaders पैदा होते हैं. इसमें जो हमें लग रहा है कि जो नए leaders इस बार जो दिखे नई तेजी के लिए उसमें है तो है आपका फार्मा, आईटी, इंश्योरेंस एंड केमिकल न्यू इंडस्ट्री विच इज गेनिंग अ मोमेंटम. सो वी रिमेन टू बी पॉजिटिव फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज आल्सो ओवरऑल. सो ओवरऑल आउटलुक फॉर द मार्केट आई थिंक सो फोकस सेक्टर शुड बी आईटी, फार्मा, ऑटो इज वन वेयर ऑटो नंबर्स आल्सो एक्सपेक्टेड ऑन फर्स्ट ऑफ मे तो कहीं ना फर्स्ट ऑफ जून तो ऑटो में एक मोमेंटम बरकरार रह सकता है. ऑटो भी एक अच्छा लग रहा है और सीमेंट स्ट्रीज है जहां पे हमें लग रहा है कि आने वाले दिन में तेजी की चाल पकड़ सकते. सर लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है लास्ट दो सेशन मार्केट का स्पेशली ऑन दी बैंकिंग साइड एंड फाइनेंशियल जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था. व्हाट इज योर व्यू सर विल इट कंटिन्यू? या डेफिनेटली बैंकिंग जैसे आप देखोगे तो बैंकिंग जस्ट टू हाईलाइट अ की हाईलाइट पॉइंट इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 3 इयर्स बैंकिंग में जब भी वीकली स्टोकेस्टिक 6 और 7 के रीडिंग पे आता है तभी वहां पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आता है. इफ यू लुक ऑन द टेक्निकल चार्ट wherever the weekly stochastics comes to a reading of 7 to 8 and it has been appeared for the third time in last 2 years. So it is something saying to be that the stocks are highly oversold. And वहाँ से हर बार एक अच्छा पुलबैक देखा गया और जो इस बार भी हुआ है स्मॉलर डिग्री टाइम फ्रेम पे बैंकिंग ने एक अच्छा फास्टर रिप्लेसमेंट हुआ है. हमें लग रहा है कि बैंकिंग टू अर्ली टू से वेदर बॉटमिंग इज आउट ऑफ नॉट बट हाँ एक बड़ा मूव जो था वो हो चुका है. यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होगा बाजार में वो भी करेक्शन आता है बैंकिंग स्टॉक्स में स्पेशली हम बुलिश प्राइवेट बैंक्स में. प्राइवेट बैंक्स रिमेंस टू बी आवर मेन फोकस. सो यहाँ प्राइवेट बैंक्स में कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आती है
तो उसे एक हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहिए। तो हमें लग रहा है कि बैंकिंग में 21,500 का टारगेट के साथ हम खेल सकते हैं। ओके सर, सर थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम।